Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. तो हाँ जी, सो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ओबीसी आपको यूपीसी चाहिए। जो लोग थोड़े से यहाँ पे एडवांस्ड हैं उनको पता होगा कि क्या कहते हैं यूपीसी, होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट को ये होता है जिसको कहते हैं यूपीसी, और अमेजोन इसको एज अ यूनिक नंबर जो कि कभी कहीं यूज नहीं हुआ था उसको ऐड करता है अपने सिस्टम में, और फिर बेसिकली उसी के अगेंस्ट वो लेबल जनरेट करता है जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो जो लेबल जनरेट करता है अमेज़न, वो लेबल आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, अभी आपको ऐड करना दिखाता हूं मैं कि कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो फिर आप कहते हैं मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपने सप्लायर से 100 यूनिट्स चाहिए। तो अब मैं अपने सप्लायर को क्या दूं कि जब सप्लायर शिप करे तो अमेज़न को पता चल जाए ये रिसीव हो गया। तो आप बेसिकली उसके अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट शिपमेंट क्रिएट करते हैं। तो जब आप शिपमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस वक्त अमेज़न आपसे पूछता है कि आपने कितने यूनिट भेजने हैं। तो आप कहते हैं 100 यूनिट्स भेजने हैं। तो फिर आप 100 लिखते हैं तो अमेज़न आपको एक पीडीएफ फाइल देता है जिसको कहते हैं लेबल्स, और वो लेबल्स आप अपनी पैकेजिंग जो कि अभी हमने देखा इस पे बाहर लगाते हैं। और वो कौन लगाता है? आपका सप्लायर ही लगाता है। उसको ऑलरेडी पता होता है क्योंकि बहुत सारे लोग उससे ऑर्डर कर रहे होते हैं, उसको पता होता है अमेज़न जो अलीबाबा पे हैं, दे ऑल नो कि कैसे अमेज़न की लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको कोई इशू है अमेज़न की लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करने का, देयर आर मेनी मेनी वीडियोस ऑन इंटरनेट, यूट्यूब पे आप देखिए हाउ टू लेबल प्रोडक्ट्स। अगर आपको इशू होता है तो लेट मी नो, आई विल आल्सो पोस्ट सम वीडियोस ऑन द ग्रुप which we have on Facebook, so you know basically labeling कैसे होती है products के ऊपर। और दो services होती हैं, एक होता है कि आप खुद से label करवाएंगे क्या नाम है उसका supplier से, तो उसके कोई charges नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि Amazon ही label करे, यार मैं मेरा पहला order है कहीं वो labeling गलत ना कर दे मेरा supplier, तो Amazon उसके charge करता है obviously कुछ cents करता है per unit। So it's up to you to decide कि आपकी, आपने basically देखना है कि आपका क्या supplier understand कर रहा है आपको, क्या उसने fully understand कर लिया। क्योंकि it's very very important कि अगर Amazon को वहाँ उसकी आपकी products जब receive होगी China से, अगर labeling नहीं लगी हुई तो आपकी product गुम गई है। क्योंकि Amazon को ख्वाब नहीं आएगा कि ये product आपने भेजी है, वो उसी सूरत में उसे पता चलेगा जब आप वही PDF जो Amazon ने दी थी उसके अंदर जो labels थे वो लगे होंगे, तो ही Amazon basically उस प्रोडक्ट को पहचानेगा कि ये आपकी तरफ से है। अदरवाइज देयर इज नो वे फॉर Amazon टू आइडेंटिफाई कि ये प्रोडक्ट आपकी तरफ से आई है, राइट? ओके। हर डिजाइन और हर साइज का यूपीसी कोड अलग होगा? जी नहीं, सिर्फ एक टाइप के ही यूपीसी होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, एंड देन यू विल सी कि किस तरह से यूपीसी ऐड करते हैं। आई हैव बंच ऑफ यूपीसी व्हिच आई विल जस्ट क्विकली ऐड। जी एफ एन एस के यू तो अमेज़न देता है बेसिकली जब आप ऐड करते हैं, बट आपको चाहिए यूपीसी जो कि आपने ऐड करना है। एफ एन एस के यू जो है वो अमेज़न आपको प्रोडक्ट के बाद उसका आइडेंटिफाइड है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू टू बाय एनीथिंग। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।